का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी गण, सर आपके इस विशिष्ट उपस्थिति के लिए आज का ये सभागण और यहाँ पे उपस्थित सभी क्षत्रिय बंधु माताओं आपका आभार प्रकट करते हैं और आपका सम्मान। ओके समर्पित प्रतिमूर्ति, आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत और सम्मान है। यह मंच आपका ही है लेकिन यह सामाजिकता जरूर बोलना चाहूंगा। आज भी हमारे शौर्य स्वर्य की प्रतीक ये तलवार भेंट की निशानी हमारी परंपरा है, लेकिन पुनः मैं मंच से यह आह्वान करूंगा कि हम जो ऐतिहासिक पृष्ठ बन गए हैं, यदि नए फ्रेश ऐतिहासिक पन्ने लिखने हैं तो अपने कलम को अपने पॉकेट से निकाल लीजिए और आप सभी से असाधारण व्यक्तित्व का जो अंजाम दिया है उसके लिए आज इस मंच से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आप यहाँ उपस्थित रहे, आज यहाँ पे हमारे मार्गदर्शन किए उसके लिए आपका आभार। बड़े पद पे रहने के बावजूद भी सामुदायिक विकास के हर एक उस आह्वान पे अपने आप को उपस्थित रखते हैं। मैं सभागृह में उपस्थित सभी अति विशिष्ट विशिष्ट और हमारे भाई बंधुओं के तरफ से इस मंच से आपका हार्दिक सम्मान करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। इसी तरह समाज के प्रति आप मार्गदर्शन बने रहें और मार्गदर्शित करते रहें। धन्यवाद। अभिषेक सिंह जी ने जो आज एक प्रयास किया है, मैं मेरे लेवल पे कहना चाहूँगा कि बहुत सराहनीय प्रयास है। आज अगर हमने इसी तरह का प्लेटफॉर्म अगर हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों के लिए उपलब्ध कराया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होगा, वो अपना अस्तित्व बचा सकेंगे।
शंकर सिंह है, मैं मुंबई कांग्रेस का महासचिव भी हूँ और ये अखिल भारतीय छत्री महासभा यहाँ का संगठन मंत्री मुंबई महाराष्ट्र का हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बलराम ठाकुर ने और वो अभिषेक सिंह करके लड़के ने जो ये काम किया हुआ है, एक बहुत अच्छी शुरुआत माना जाएगा। और क्योंकि हम लोग हमेशा तलवार और इसके बात करते रहते हैं और ये जो बिजनेस समिट हुआ, हम भी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, एक बैंकिंग फाइनेंस छोटी सी चलाते हैं और लॉजिस्टिक का काम है। हमें बड़ा अच्छा लगा, एक शादी में मुझे जाना 7 बजे से वहाँ, वो भी लॉजिस्टिक चेयरमैन है, लेकिन मैंने ये सोचा कि पहले यहाँ हाजिरी मारूं, क्योंकि इससे बढ़ के आज एक तो इतना पावन पर्व 26 जनवरी का एक गणतंत्र दिवस का दिन है, शुभ दिन है। राजपूत भाइयों ने, बलराम ठाकुर ने और अभिषेक सिंह ने जो ये माननीय हरिवंश सिंह जी की अध्यक्षता में जो इन्होंने ये किया, उससे अच्छा, उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा हम कहीं और की बात करते रहते हैं बट बिजनेस की बात नहीं हो पाती। जो ये प्लेटफॉर्म आज बिजनेस के लिए किया गया, उसके लिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने चैनल द्वारा इसको और फैलाएं कि राजपूत समाज सिर्फ तलवार की बात और सिर्फ राजपूताना की बात नहीं करती है, बल्कि वैश्विक तरीके से अपना बात करना चाहती है और एक बिजनेस समिट और प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजपूत। देखिए, आज ये अखिल भारतीय छत्री महासभा का ये प्रोग्राम है और इसमें यंग्स जो भी नए जुड़े हैं उनका एक अलग से कॉन्सेप्ट है। निश्चित तौर पे बिजनेसमैन का कोई कास्ट नहीं होता है, लेकिन हर कास्ट का बिजनेस होना चाहिए ऐसा हम लोग मानते हैं। तो आज जो युग था वो चेंज हो चुका है। कभी समय था कि जिसके पास लैंड था, जो लैंडलॉर्ड था, वो बड़ा आदमी हुआ करता था, लेकिन अब परिस्थिति चेंज हो गया है कि जिसके पास बिजनेस है वो सर्वाइव कर पाएगा आज के सोसाइटी में या कुछ समाज को दे पाएगा। तो निश्चित तौर पे जो क्षत्रिय समाज है, बहुत ही योगदान उनका पूरे दुनिया में या अपने भारत में है, गौरवशाली इतिहास रहा है हमेशा। वो जो है दूसरों के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, राज्य के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े, लेकिन अब लड़ने लड़ाने का काम वो जमाना चला गया है। अब लड़ने के लिए आर्मी जो है बन चुकी है, पुलिस व्यवस्था बन चुका है, अब समाज बदला है। तो निश्चित तौर पे जो क्षत्रिय समाज है वो कहीं ना कहीं जो यंग्स हैं, जो ये नई पीढ़ी हमारे जैसे युवा और तमाम युवा जो निकले, तो कहीं ना कहीं अपने इतिहास को पढ़ के गौरवशाली महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बिजनेस चाहिए जो है, काम चाहिए, या सोसाइटी में अगर उनको हेल्प करना है तो उनके पास पैसा रहेगा, बिजनेस रहेगा, तो ये हेल्प कर पाएंगे। इसलिए अभी एक नया सोच है कि जो बच्चे बिजनेस में हैं वो अच्छा कर पावे जो है, या एक दूसरे से मिलजुल के एक दूसरे के सपोर्ट से और भी अच्छा बिजनेस में कुछ अच्छा कर सके, ये कॉन्सेप्ट में लेके आज ये प्रोग्राम रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे समाज के, सब अच्छे बिजनेसमैन, सब यहाँ पे इकट्ठा हुआ और अपने अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया। बिल्कुल मैम, मैं रिपब्लिक डे आज 71 साल पूरा हो गया और जो आज़ादी हमें मिली, जो स्वतंत्रता हमें मिला है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के शहादत से मिला है। हमारे देश में न जाने कितने भगत सिंह हमारे शहीद हुए, न जाने राजगुरु कितने शहीद हुए, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, वो जाके ये इतना खूबसूरत देश मिला है। हमें आज 71 हमारा जो गणतंत्र है उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है इतना खूबसूरत देश जो मुझे मिला है, हम सबको मिला है, उसको खूबसूरत बनाए रखना हमारा काम है, युवा पीढ़ी का काम है जो है, इसको बिल्कुल जो है बदसूरत नहीं बनावे जो है, क्योंकि आज की जो परिस्थिति चल रही है इसमें कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को पास करना है और पार्लियामेंट ने पास किया है उसको, तो कहीं ना कहीं हम सबको जो प्रोटेस्ट करने का तरीका जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारा संवैधानिक होना चाहिए जो है, जो तोड़फोड़ और या राइट्स वो नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत देश हमको मिला है, इसको कहीं ना कहीं बड़े शहादत से मिला है, न जाने कितने भगत सिंह, न जाने कितने चंद्रशेखर राजगुरु को शहीद करके शहादत दे के हम जो है इस देश को पाए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। यहाँ पे जो प्रांतवाद, भाषावाद, धर्मवाद, जात पात पन से ऊपर उठ के जो है हम सबको सोचना चाहिए जो है, और देश को और भी खूबसूरत बनाना चाहिए।
अगली पीढ़ी हमको ताकि जो है याद करे, जैसे हम अपने महापुरुषों को अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उसी तरीके से हमारा भी हस्ताक्षर इस देश में होना चाहिए, इस पीढ़ी में होना चाहिए कि हम इस देश को क्या दिए। अगर हम नफरत और तोड़ फोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। जो निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कानून देश में पास हो या न हो, उसके लिए हमको जो है पार्लियामेंट बना के दिया गया है। पार्लियामेंट में अगर क्या होता है क्या नहीं, उसका एक प्रोटेस्ट का तरीका होता है, इस तरीके से होना चाहिए जो है। और देश में नफरत नहीं फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए, हमेशा ये राष्ट्र फर्स्ट, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। ये उद्देश्य था, शिक्षा का बहुत कम था और उसमें कब बहुत से कॉलेज खुले थे। इसका एक उद्देश्य भी था कि हम यूनिवर्सिटी खोल के बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि जो अंग्रेजों के प्रभाव से प्रभावित हो और आज को पढ़ाया जाए और समझ पाओ। तो हम ग्रांट नहीं लेते थे, हमारी यूनिवर्सिटी क्लास को बुलाया जाता था दिन में बारात आ रही है, कोई भी अगर भूखा चला तो मेरा नाम खा, जितना राशन पानी सब ले जाओ, बाद में देखेंगे क्या है। इतना समरसता था, लेकिन अब पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें लोगों ने अपने अपने जात को अपने तरफ खींचा, सिस्टम गांव में खराब हुए, ठीक है, तो थोड़ा सा वो माहौल तो अब नहीं रह गया। आज भी राजपूतों की जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाएं, हमारे त्याग में कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे पढ़ने लगे, हमारे जब आरक्षण आया है बीपी सिंह लेके आए, तब हमारे आईएएस 2% थे, आज वो 8% हो गए। मतलब बच्चों की पढ़ाई पे लोगों ने ध्यान दिया, नहीं तो बोलते थे क्या करेंगे पढ़ लिख के, ज्यादा राजपूत है, लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के, हमारी लड़कियां आईएएस हो रही हैं, आईपीएस हो रही हैं। यहाँ स्कॉलरशिप देने को तैयार, सिर्फ राजपूतों को नहीं, कोई भी लड़का उनको अप्रोच करे उसको मदद करेंगे, मार्गदर्शन करने को तैयार। वहां से आज भाई आप एक लड़का, अभी मैंने अपने भाषण में कहा एक लड़का एक रास्ते पे खड़ा है चौराहे पे, उसको किस तरह गाइड कर देना, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो भटकता रहता है, गलत रास्ते में चला जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, किस रास्ते में जाकर सफल हो सकता है। मैं भी कभी आके नौकरी किया था और हमने अपने को इस्टेब्लिश किया, मैंने 150-200 लोगों को इस्टेब्लिश किया, वो लोग और लोगों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैंने अपने जिंदगी में जितना पैसा कमाया 20% मैंने सामाजिक शैक्षणिक आरोग्य क्षेत्र में मैंने खर्चा किया, मेरा चैरिटेबल हॉस्पिटल है। मैंने गवर्नमेंट की 2 योजना लाया थी, एक तो पहले राजीव गांधी योजना थी, अभी उसका नाम बदल गया है, महात्मा ज्योतिबा फुले का 1.5 लाख का ट्रीटमेंट उसका फ्री हो जाता है, ठीक है, और वो तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स होती रहती है। हमारी वाइफ ने मनवाया था उसको माले का, वो स्वर्गीय हो गई, पैसे बने थे, कुछ पैसे अपना डाल के हमने तोड़वा के नया बनवाया, अभी बहुत अच्छा हो गया, अभी लोगों का कल्याण हो रहा है, किसी का कल्याण
कल्याण हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे जौनपुर का आदमी, गाँव का आदमी, पूरे देश से कहीं किसी कोने का आदमी आकर ट्रीटमेंट करा के जा सकते। हमारे ब्लॉकों के आए उनको दिखाने में गया हॉस्पिटल, मैंने भी आईसीयू नहीं देखा था। बीएचयू से बढ़िया आईसीयू आपका है, इसी सफाई कहीं रहती नहीं है। आप अगर हमारे हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर एक टुकड़ा कागज हाउस कीपिंग वाला पीछे खड़ा रहेगा, आपको उठा लेगा। डॉक्टरों की योग्यता है, उसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, 15 कॉलेज मैंने स्थापित किए। अमेरिका में जब राणा एसोसिएशन ने मेरा परिचय दिया, वो लोग हद तक रहते कि 15 कॉलेज एक आदमी अपने लाइफ में स्टेब्लिश कर सकता है। और अभी मैंने 160 एकड़ जमीन जोधपुर खरीदा है विश्वविद्यालय के लिए। मैं कृषि स्नातक हूँ, पीएचडी किया हूँ, तो मैं कृषि का विश्वविद्यालय खोल रहा हूँ। और उस विश्वविद्यालय से हर गांव में हमारे लोग जाएंगे, कृषि का परीक्षण करेंगे, कौन सी मिट्टी में क्या कौन सी फसल अच्छी होगी, ये किसानों को मालूम नहीं पड़ता है। सरकार चलाती योजना लेकिन हो नहीं पाता है, सरकारी लापरवाही। पूरा वैज्ञानिक तरीके से कैसे शराब डबल हो सकती है, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। आज ऑर्गेनिक का बहुत ऑर्गेनिक खेती के कौन तरक्की कर पावरफुल, मोदी जी वही तो जा रहे हैं, करना भी जा रहे हो। 18 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं रोज। भारत को कोई नहीं देखता। ये सारी बातें, छत्तीस समाज हमेशा अग्रणी रहा है, और आज भी हम चाहेंगे मार्गदर्शन करके देश को कैसे आगे ले जाया जाए। युवा रमेश सिंह उद्यान प्रमुख, आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत करवाएंगे या ठाकुर हरबंश सिंह करवाएंगे? ठाकुर हरबंश सिंह की इच्छा पूरी हो गई, अब इतने बड़े हाउस में जाने, उस मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, उससे बड़ा तो कोई हाउस है नहीं, वो भी लोकसभा से रहा, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। काफी सुर्खियों में रहा वह चुनाव का, काफी सुर्खियों में रहा वह चुनाव का, आगामी विधानसभा क्या? देखिए, राजनीति तो चर्चा पर्चा खर्चा तीन चीज पे डिपेंड करती है। आपकी चर्चा में आप नहीं रहेंगे तो राजनीति में खत्म हो जाएंगे। देखिए, हमने कुछ कार्य जौनपुर में किया है, फार्मेसी कॉलेज, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मैनेजमेंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डिप्लोमा इन नर्सिंग, पैरा मेडिकल कॉलेज, CBSE स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में हमने कुछ काम किया है। जानकारी थी, ये बहुत अच्छी संस्था है, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो मन धन तन से अपना सब कुछ देते हैं ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को। किस तरह की कार्य करना चाहते हैं सिंह के लिए राजभवन?
एक बेसिक मुद्दा था जो मैं फेस कर रहा था काफ़ी टाइम से, जैसे जब मैंने स्टार्टअप किया, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट की बहुत कमी थी कि मुझे कुछ करना रहता तो मुझे ऑनलाइन सर्च करना पड़ता था, 50 वेंडर से बात करना पड़ता था, उसके बाद में कोई एक सिलेक्ट करता था, एक या दो लोग। धीरे धीरे मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ने चालू हो गए, तो मैंने ये चीज़ फील किया कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो जो दिन जो टाइम आप एक महीने में आप कर सकते हो वो आप 3 दिन में भी कर सकते हो, काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है। आज तक तो मैंने ऐसी कोई चीज़ें नहीं देखी है। जैसे मुझे ये इवेंट करना था तो विक्रम जी ने मीडिया का रेफरेंस दिया मुझे, शिवा सिंह जी ने केटरर्स का नंबर दिया मुझे। अभी हाल ही की एक बात बताता हूँ कि मेरा एक ऑफिस बन रहा है मीरा रोड में, जब मुझे ग्लास की ज़रूरत पड़ी तो ओपी सिंह साहब ने मुझे ग्लास का सबसे अच्छा रेट दिया। जब मुझे मार्बल की ज़रूरत पड़ी तो राज रियल्टी से मुझे सुरेश सिंह, राजेश सिंह ने अपने कॉन्टैक्ट शेयर किए कि भाई ये सबसे अच्छे रेट देंगे। तो मैंने आज तक कभी ये चीज़ फील नहीं किया है कि हमारे समाज के लोग अपने आदमी लोगों को कभी बोलते हैं ना कि बेनिफिट नहीं देते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुझे महाराष्ट्र लेवल प्रेसिडेंट बनाया गया है सिर्फ यही चीज़ के लिए कि मैंने जैसे प्रॉब्लम फेसेस किए हैं, मैंने जैसे प्रॉब्लम फेस किया है वो चीज़ निकाल सके हम लोग, कि वो चीज़ प्रॉब्लम फिर से किसी यूथ लड़के को, स्टार्टअप वाले लड़के लोगों को प्रॉब्लम ना आए, मैं वही चीज़ पर वर्क करना चाहता हूँ। ये मैं कार्यक्रम आज 1.5 महीने से प्लान कर रहा था कि मुझे ये कार्यक्रम करना है, बट बहुत सारे लोग आज के दिन फ्री थे तो मुझे लगा ये सही समय है कार्यक्रम करने का। और आपके साथ जिस तरह से बैठे, आप कितना कुछ सीख पाते हैं, किस तरह से बात पाते हैं कि आप जिस तरह से क्या हैं, काफ़ी समय से जिस तरह से लोगों के सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। सेवा तो नहीं बोलूँगा मैं जैसे हरिवंश जी को जानता हूँ, सेवा तो करते ही हैं, मगर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे एक आइकॉन है जो मेरे आइकॉनिक में देखता हूँ कि मेरे बिजनेसमैन में तो सबसे पहले नाम हरिवंश जी का आता है। मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊँ अपनी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी का सफल हो जाएगा सर। थैंक यू। मेरा नाम बलराम सिंह ठाकुर है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराष्ट्र प्रदेश। अभिषेक और मैं दोनों जन मिलके ये प्लान किए थे कि राजपूत समाज को क्यों ना हम सारे बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिससे एक दूसरे को सहयोग हो व्यवसाय में, और ये ऐसा गेट टुगेदर, बिजनेसमैन गेट टुगेदर करें ताकि जो है ज़मीन स्तर पे समाज को उसका फ़ायदा हो। और आज इतना सफल कार्यक्रम रहा, सारी कुर्सियाँ खचाखच भरी थी, सारे गणमान्य जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने उद्योगपति थे अपने अपने क्षेत्र के, सारे यहाँ पहुँचे। 26 जनवरी इतना व्यस्ततम दिन होता है, उसके बाद भी कोई कुर्सी खाली नहीं रही और सब लोग पहुँचे, एक दूसरे से जान पहचान हुई, और व्यवसाय में अब एक दूसरे का जान पहचान होने के बाद क्षत्रिय समाज को उसका फ़ायदा होगा। अभिषेक ठाकुर से मुझे बहुत उम्मीद है कि ये लड़का क्षत्रिय समाज के लिए बिजनेस में बहुत आगे तक इसको योगदान लेके जाएगा, इसीलिए मैंने उसको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कोंकण विभाग का बिजनेस अध्यक्ष बनाया है, और यही उम्मीद है कि इसको, इस काफिले को और आगे ले जाएंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर जो आज आयोजित किया गया था, यहाँ पर काफ़ी बिजनेसमैन पहुँचे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अभिषेक जी को किस तरह से देख रहे हैं, क्यों किस तरह कार्य करता है? अभिषेक भाई हम युवाओं के आइडियल हैं। हालांकि मैं अपना परिचय बता देता हूँ, मेरा नाम सुनील सिंह ठाकुर, मैं
मेरा महेंद्र का युवा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का बलराम भैया के समर्थन में का सहयोग से बहुत काफ़ी समय से काम करने का मौका मिला है। और भैया जिस तरह से भैया लोगों को साथ में जोड़कर काम कर रहे हैं, भैया मतलब जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। उनका एक्चुअली भैया का हमारे जो टारगेट जो उनका जो नेशन है उनका जो मतलब सोचना है कि अगर एक युवा आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। भैया मतलब हर कोई भी अगर कुछ भी अगर उनका जो सोचना है कि एक आदमी अगर आगे जा रहा है तो उसके उसके जगह पे भैया का सोचना है कि मैं भी आगे जा रहा हूँ, पूरा समाज आगे जाएगा। क्षत्रिय समाज के तरफ से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझको वो दिन याद आता है जब हम आर भारत कन्क्लेव में ट्राइडेंट होटल में बैठे थे और वहाँ पे मैंने 24 साल के एक युवा उद्यमी रितेश अग्रवाल को 24 साल में चाइना का सबसे बड़ा होटलियर ग्रुप बनने का जब उसने दावा किया था तो मैंने अपने दिल में सोचा था काश इतने कम उम्र का कोई मेरे भी समाज का एक बच्चा क्षत्रियत्व के इस झंडे को रोजगार और की अवसर की उपलब्धता कराने वाला पैदा हो। आज हमारी वो तलाश पूरी हुई। हम भी 22 तारीख को पुनः वाईबी चौहान में बिजनेस समिट 2020
करने जा रहे हैं, जहां पे माननीय शरद पवार जी, अशोक चौहान साहब और बड़े बड़े लोग वहां उपस्थित रहेंगे। और मैं निवेदन करूंगा मिस्टर अभिषेक को कि आप उस प्लेटफार्म पर भी आके अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।